आज आपके लिए लेकर आए हैं दुम्बो का वीडियो। काफी दिनों के बाद दुम्बे देखने को मिल रहे हैं और माशाल्लाह आज आपके सामने बिल्कुल न्यू पर्सन और बहुत अच्छे सेलर, अच्छे इंसान भी हैं साथ में। और न्यू जगह हनुमानगढ़ से थोड़ा दूरी पर है हम लोग, और ओनर से इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इनके दुम्बो के बारे में जानेंगे। वीडियो होगा पूरा नॉलेजेबल, लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आता है लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, थोड़ा अपना परिचय और ये लोकेशन। अपने भाई साधुल शहर श्रीगंगानगर राजस्थान से, सदाम गो टीवी यूट्यूब चैनल से जी। और माशाल्लाह दुम्बो का ज्यादातर, सबसे ज्यादा मेरा काम दुम्बो का है, और बरवी बकरी और बिटल के अंदर भी काम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुम्बो का शौक ज्यादा। हाँ, अल्लाह के करम से हनुमानगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ही काम है दुम्बो का काम। मतलब गंगानगर में आप ही कर रहे हैं? हाँ, गंगानगर के अंदर। तो अभी तक कहाँ कहाँ आप माल बेचते आए हैं? ऑल इंडिया भाई साहब, वेस्ट बंगाल और रांची, बिहार, बॉम्बे, पुणे तक माल गया भाई। दुम्बो में और गोट फार्मिंग को, दोनों में आप किस तरह से कंपैरिजन में देखते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, क्या कुछ सिस्टम है, थोड़ा सा आप इस पे फोकस डालिए। नहीं नहीं भैया, दुम्बो का काम बकरियों से बहुत अच्छा है। बकरियों में बीमारी बहुत ज्यादा आती है, इसमें आज तक हमने इंजेक्शन तक नहीं लगवाए, ठीक है। और बकरी के कम से कम आपको बता दूं, बकरी को पूरा तैयार करना पड़ता है, बच्चे आपके एडवांस बुकिंग रहती है, कम से कम 1 महीने तक के बच्चा सेल होना शुरू हो जाता है, 1 महीने से 5 महीने तक बच्चे सेल हो जाते हैं, और बड़े तो बहुत मुश्किल से, मतलब होने नहीं देते, अगर बड़े हैं तो उसके हाई रेट होते हैं, इसलिए लोग बच्चे से ज्यादा। जैसे अब मैं आज लेके आया हूँ 5 फीमेल 4 फीमेल 1 मेल 4 सेल के लिए है, बिल्कुल व्हाइट में प्योर तुर्की के अंदर दे रहे हैं, और ये सेल के लिए है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के साथ। तो ये इसमें 5 बच्चे हैं 1 मेल है 4 फीमेल। हाँ जी। तो कोई भी मतलब नया बंदा दुम्बो का यदि शौक शुरू करना चाहता है तो ये बेस्ट जो है यूनिट रहती है, 5 1 मेल 4 फीमेल। हाँ, 4 फीमेल। तो जैसे आपका काम सेल परचेजिंग का भी रहता है? हाँ, सेल। तो ट्रांसपोर्टिंग कैसे करते हैं आप? बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय बस, दोनों जगह। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से और बात जानना चाहता हूँ कि दुम्बो में कितनी प्रकार की वैरायटी आती है? भाई काफी प्रकार की आती है। अभी अभी थोड़े दिन अपने दोस्त है एक, ये महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हम सऊदी दुम्बे के अंदर, सऊदी के अंदर अलग प्रकार का दुम्बा आता है, उस पर भी काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह। और इसके अंदर काफी आती है, जैसे अभी हमारे यहाँ इंडिया में बोल देते हैं नगोरी दुम्बा, नगोरी। हाँ, नगोरी उसको बोलते हैं जो देसी भेड़ से क्रॉस होते हैं, नगोरी उसको नगोरी बोला जाता है। और तुर्की दुम्बा जो तुर्किस्तान से अलग से पहले ही फेमस, जो सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल है वो तुर्की दुम्बा। तुर्की दुम्बा नहीं, उससे पहले, अब पहले तुर्की की थी, अब तुर्की की अभी भी बहुत है, लेकिन अभी सऊदी की जो दुम्बे है ना, लंबी दुम्बे के आते हैं, वो बहुत ज्यादा डिमांड पे अभी चल, महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फार्म उसका ही करेंगे। तो आप अवेलेबल करवा देते हो? हाँ, अभी अभी तो नहीं, अभी फार्म अपनी बात चल रही है महाराष्ट्र का, जो लेके आएंगे अभी फार्म उसका स्टार्ट कर, लेकिन अभी फिलहाल। अच्छा, इम्पोर्ट होगा मतलब बाहर से? हाँ, बाहर से। और तुर्की दुम्बो के अंदर हमारे पास जो तुर्की दुम्बे अभी चल रहा है काम बहुत ज्यादा माशाल्लाह, तुर्की दुम्बो चल रहा है। और जैसे ज्यादातर हमारा व्हाइट में काम रहता है, और मार्केट तुर्की दुम्बो चीनी पार्ट के अंदर गुलाबी में व्हाइट में रहता है, जो बिल्कुल व्हाइट में, जैसे आप कलर देख रहे हैं ये बिल्कुल व्हाइट के अंदर, आंख ही ब्लैक होती है, बाकी सब व्हाइट और मार्बल खुर के अंदर, खुर भी मार्बल होता है। थोड़े तो दिखाएंगे थोड़ा नजदीक से, हाथ नहीं आने वाला। मैंने फार्म से अलग किया ना, कोई देख लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये माशाल्लाह बच्चे हैं, तो ये जो ऊन जो इनके ऊपर आई हुई है इसको कैसे करते हैं? मशीन से काटते हैं, अभी तो नहीं काटे ना, अभी सर्दी है। सर्दी है तो किस मंथ में काटते हैं? ये अभी मार्च में निकाल दो, मार्च में निकाल दो, बच्चों के मार्च में निकाल दो, बच्चों की मार्च। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो हमने बच्चों की निकाली निकाली नहीं, मतलब पहले सेल हो जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक चीज और है, जैसे मान लो ये बच्चा है, ये मेल ब्रीडिंग के लायक, मतलब किसी ने फीमेल ली तो वो कितने महीने में फर्स्ट टाइम उसके लिए तैयार हो जाते हैं? ये आपको बता दो, ये बच्चे हैं 2-2 महीने के, एक केस में 2.5 महीने का, और ये भाईजान अभी 30-30 किलो के हैं जी। वेट गेन, मतलब वेट गेन में जबरदस्त, बहुत ज्यादा भाई। अच्छा। और इसके अंदर मैं आपको और बता दूं विराट भाई, तो जिसके अंदर 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर जो फीमेल होती है वो क्रॉस हो जाती है फर्स्ट टाइम, और जो दुम्बा होता है मेल होता है वो 6 महीने का क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो इनकम इनकी कब से, मतलब ब्रीडिंग पेयर जो है वो 6 महीने के बाद स्टार्ट है, कब मर्जी करवा लो। बाकी बाकी कुर्बानी भी ये बकरे दुम्बा होता है जो 6 महीने का लगना स्टार्ट हो, लेकिन लोग ज्यादातर 2 दांत लगाते हैं 1 क्वांटल 1.5 क्वांटल से ऊपर ही हो जाता है वजन के, ठीक दुम्बे के अंदर ये मान। और जैसे बाकी जो इनका मतलब बच्चा प्रेग्नेंट टाइम है, जो प्रेगनेंसी का समय, वो 5 महीने बकरी की तरह, 5 महीने 12 महीने में, कम से 12-13 महीने में 2 बार बच्चा दे देती है, ठीक है। और दुम्बा जैसे बच्चा जब होता है तो कितने वजन का लगभग आईडीएस एवरेज कितना वजन? 15 से 20 किलो, ऐसे मैडम 10 किलो से ऊपर रहता है, 15-20 किलो। अब मान लो आपको 2 महीने के बता रहा, 30 किलो से ऊपर ही हम कांटा करके देंगे, 35-35 किलो के। नहीं, ऐसे नहीं कह रहा, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब कितने वेट का होता है? ये जैसे अपने भेड़ का बकरा बच्चा होता है, बच्चा वैसा होता है। और इसमें मतलब कोई बीमारी वगैरह किसी तरह की? नहीं नहीं, आज तक तो मैं, अब पहले क्या था इसमें पीपीआर होता है ना, ये थोड़ा जैसे बारिश का मौसम होता है तब, अब हालांकि आज तक बीमारी आई नहीं, लेकिन वो पीपीआर अब लगाने लगे, पहले नहीं लगाते थे, अब लगाने लगे, कुछ जगह पे लगाने लगे, लेकिन अपने आसा अलहमदुल्ला अब तक नहीं लगाए, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे, कहते हैं भी वो लगाना चाहिए, इससे अच्छा रहता है।
बाकी आपको बताते तो हम ना यात्र ये देसी जो सॉरी कैल्शियम होती है वो यूज करते हैं, वो मैं आपको आपके यूजर को ये जो सब्सक्राइबर उसको बता दूं, जो देसी कैल्शियम होती है ना वो आप कली से तैयार कर सकते हैं। कली से 1 किलो कली के अंदर 5 लीटर 6 लीटर पानी डाल दो, 24 घंटे उसको ठंडा होने दो। कली अर्क होता है उसका गर्म होता है, ठंडा होने के बाद जब वो बिल्कुल ऊपर से जो पानी पानी होता है उसको निकाल के 5 ml एक दुम्बे को या बकरी को किसी को दे सकते हैं, उसके अंदर कैल्शियम पूरा कर देते हैं। तो ये कैल्शियम महीने में कितनी बार देना चाहिए एनिमल्स को? नहीं बस हम तो एक बार ही दो बार देते हैं, ज्यादा ऐसे देने में तो आप जितना भी दे दो, वो हर पानी जैसे पानी पिलाते हैं जैसे कैल्शियम डाल के दे सकते हो, लेकिन अपने नहीं इतना। ये तो बात आती है दुम्बों के बारे में, अब इनकी फीड के बारे में जान जाते हैं। मैंने सुना है कि कुछ भी फीड में खा लेते हैं, कुछ भी भाई कुछ भी डाल दो इनको, गाय भैंस जो अपने ये जैसे ये तूड़ी है ये सन्नी करके डाल दो वो भी खा लेते हैं, जो डालोगे इसको ये सारा दिन करती है। देखो अभी ये लकड़ी खा रहे हैं, अभी अपने वीडियो के लिए अलग से करती है, अलग रख ये खा रहे हैं। ठीक है भाई, जो चीज इनको दे दो इनका मुंह चलना क्योंकि इनको वजन बनाना होता है, वजन बनाना होता है। तो वैसे जैसे कोई लेके फार्म करना चाहे स्टॉल फीड पर, तो आइडियल फीड क्या है, थोड़ा जैसे सुबह से लेके शाम तक का रूटीन बता दीजिए। रूटीन इनको अपने हरा भूसा या हरा बरसीन होती है ज्वार होती है वो डाल सकते हैं, ज्वार का भूसा डाल सकते हैं, और ज्यादातर सन्नी ये होती है ना सबसे ज्यादा, हरी पत्ती भी खा लेते हैं। हाँ हरी पत्ती खा लेते हैं कोई। और अनाज में क्या देना चाहिए आपके हिसाब से बेस्ट रिजल्ट? मोठ का चूरा वेट गेन के लिए बेस्ट बेस्ट माशाल्लाह। कीड़ों की दवाई आती पेट साफ करने की, हाँ वो करवा के उसके बाद आप मोठ का चूरा दें इंशाल्लाह। एक अटैक 40-50 किलो एक दम खिला दो माशाल्लाह, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तैयार है बाकी माशाल्लाह बहुत शानदार है। और ये हाँ जी कहिए आप शुरू की। मैं ये कह रहा था बाकी अपने दुम्बों की जानकारी अपने चैनल पे मिल रही है भाई, मिल रही है भाई का चैनल है उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करें। भाई का चैनल सदाम गोट टीवी है, ह्यूमन बीइंग मेरे को मतलब बहुत अच्छे इंसान है। आप और व्यापारी भी मिलते हैं आप लोगों को, जैसे लोग हमारे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं, आप वैसा ना जानिए माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा यूट्यूब चैनल है और नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं। गोट टीवी यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करो, व्यूज आता है, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों में, दुम्बो की बेस्ट बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आपको वहां पे मिलेगी। दुम्बो फार्मिंग की पूरी, और आप सबसे बड़ी बात बता दूं भाई, नए यूजर है जो नए दुम्बो फार्म कर रहे हैं हम उसको कॉन्टैक्ट बेस पे भी करवा रहे हैं, मतलब माल ही हम खरीद सकते हैं उनसे। अच्छा मतलब आपने आपसे कोई माल लेता है तो आप उनका मतलब सेलिंग कराने में भी आप उनका सहयोग करेंगे, क्या बात है यार, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। क्योंकि उसका जैसे हमारे से बच्चा लेके जाते हैं हम कॉस्टली आपको बता ही देते हैं यूट्यूब चैनल पे कि आप जितने में बच्चा लेके जाए उससे 5,000 रुपए कम देके हमें हम बच्चा वापस खरीदेंगे। अगर आप वहाँ सेल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप सेल कर सकते हैं फ्री हैं आप, लेकिन आपका बाय द वे सेल नहीं हो रहा तो आप उसमें भी हेल्प करते हैं, हम खरीदेंगे भाई, मतलब आप खुद सेल करेंगे और आप ही खरीदेंगे, इससे बढ़िया बात। मतलब कोई भी बिजनेस करता है तो बंदे को प्रॉब्लम आती है कि सेलिंग कहाँ करे, मार्केटिंग इश्यू बड़ा रहता है। जैसे लोग बीटल के गोट्स खरीद लेते हैं बाद में कहते हैं यार हम इसे बेचें कहाँ, देसी के भाव में बिक रहे हैं और बीटल खरीदा होता है महंगा महंगा, तो दुम्बा महंगे रेट का है तो आप वापस भी ले लेंगे। जम्मू में अपने दोस्त है जान मोहम्मद नाम से, अभी उसको दुम्बा फार्मिंग करवाया तो हम दुम्बे के बच्चे उसी से खरीद रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं, तो मतलब उनको सपोर्ट भी रहता है कि उनको कभी अर्जेंट में बच्चे बेचने हो तो उनको परेशान नहीं होना पड़ता, वो आपको एक कॉल करते हैं सीधा आप माल छेड़ देते हैं, पैसे उसके अकाउंट में और ट्रांसपोर्ट। ये बहुत बढ़िया बात बताई कि यार ये सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब कोई जानवर आपसे लेता तो सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग प्रॉब्लम। अपना नंबर दे दीजिए, नंबर भाई अपने है नहीं दे दो क्या दिक्कत है, नंबर है 7895015036622। हाँ 7891503622। हाँ जी ठीक है, ये थे सद्दाम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, नंबर हमने पर्सनली प्रेशर दे के लिए दे नहीं रहे थे ये, आप दुम्बो के लिए इनको एनी टाइम फोन करें, वैसे इनको फोन बहुत आते हैं मेरे सामने की बात है, दुम्बो का माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है और आप इनसे जुड़कर दुम्बा फार्म शुरू कर सकते हैं, सेलिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेलिंग में भी आपका शो करेंगे, आप इनसे जुड़कर तो देखिए मजा आ जाएगा, बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया आपका।